आज के समय में हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि उसका परिवार सारे सुख सुविधाओं के साथ रहे। और ये सुख सुविधाएं कहाँ से मिलती है? जब इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और लोग दिन प्रतिदिन इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पांच ऐसे इजी स्टेप के बारे में बात करेंगे जिससे हम पैसों की बचत कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे बचत के वीडियो बहुत पसंद आते हैं और मेरे पास कमेंट भी आता है कि मैडम, आपके एक एक जो भी आप उपाय बताती हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लगातार हम पैसे भी बचा रहे हैं। आपके ये सारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पॉइंट खोजती रहती हूँ कि कैसे अपने व्यूअर को बताऊंगी। दोस्तों देखिए, ये सबसे मुझे लगता है ना कि बहुत बार ऐसा था जब हमने अपना स्टार्ट किया था, अपना जो भी हमारा मतलब लाइफ था, तो हमें ये पता ही नहीं था ना कि हम कहाँ से कैसे कितने पैसे बचा सकते हैं, फिर उन बचाए हुए पैसों का क्या कर सकते थे, ये बताने वाला हमें कोई नहीं था। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको कोई बता रहा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने से पैसे बचेंगे आपके और आप इन पैसों को अपने ही घर में खर्च कीजिएगा, अपने ही घर में किसी भी अच्छे चीज़ में उसको यूज़ कीजिएगा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि ये हमारा बचाया हुआ नहीं, ये हमारा कमाया हुआ पैसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं ये लेके आई हूँ कि घर में जो भी सामान होते हैं ना, उसका रख रखाव, उसका केयर क्या कीजिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि ये सबके साथ होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर खराब हो जाती है या वही चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं रहती है तो हमें उसकी उपयोगिता के बारे में समझ में आता है। देखिए, ऐसा है ना कि ये जो मिक्सर होता है या फिर आपका ये फ्रिज, ये सब जो चीजें होती है ना, ये रोज रोज कोई नहीं परचेज करता है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसके रख रखाव पे ध्यान दीजिए। जब आप यूज कर लेते हैं तो उस चीज को फिर से मतलब क्लीन करके अपने सही जगह पे रख दीजिए। दोस्तों, फ्रिज में भी यही चीज होता है कि जैसे आपको हमेशा चेक करते रहना है। बहुत जगह क्या होता है ना कि फ्रिज में लीकेज होते रहता है पानी का और वो हमें पता ही नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि कहीं जंग लग गया है या कोई मशीनरी चीज मतलब हमारी खराब हो रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर था और उससे जैसे मैं मक्खन निकालने का काम करती थी तो पता है मुझे बहुत इजी लगता था कि जहाँ मैं वो लकड़ी वाली जो रही होती है ना उसको घंटों उससे लगी रहती थी तो मुझे घी निकालने में बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन मैं वैसे ही करती थी क्योंकि मैंने अपने बड़ों को वैसे ही निकालते हुए घी देखा है, तो मैं वैसे करती थी। लेकिन एक दिन मैं मार्केट गई और मैंने जो हैंड ब्लेंडर था वो परचेज करके मैं ले आई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मतलब उससे चार पांच बार मक्खन निकाले भी, घी निकाले भी, मुझे बहुत इजी लगा क्योंकि उसमें इजीली जब मैं लाइन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो चलता था करती थी और वो मेरा जो है वो मक्खन मतलब क्लियर हो जाता था, जल्दी ही अलग हो जाते थे, मुझे उतने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल में ही वो ब्लेंडर जो है वो मेरा खराब हो गया। उस दिन क्या हुआ था कि लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ और मेरा जो वो एप्लियंसेस है वो मेरा खराब हो गया, और अब अगेन मुझे उसी लकड़ी पे आना पड़ा है, लकड़ी की रही से मैं घी निकाल रही हूँ क्योंकि उसको मैं बनाने गई तो उसने कहा था कि इसमें आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएंगे तो क्यों नहीं आप एक नया परचेज कर लीजिए। तो मैंने बोला मैं ना नया परचेज करूँगी ना इसको बनवाऊंगी, मैं फिर से उसी लकड़ी वाली रही पे आ गई हूँ। तो दोस्तों, ये मुझे फील हुआ कि वो था, उसकी उपयोगिता के बारे में मुझे पता चला जब खराब हो गया, तब जब था तब तो मैंने इतना सोचा नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लगता था। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है ना तो उसकी कद्र कीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। ये मैं मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में नहीं कह रही हूँ, घर में भी जो चीज़ है जैसे कि जूते चप्पल ही है तो जूते चप्पल जो होते हैं उसके रख रखाव पे केयर कीजिए, उसको अच्छे से आपका यूज़ हो गया है तो उसको साफ सुथरा करके पॉलिथीन में या उसके डब्बे में करके रख दीजिए,
ताकि ऐसा होगा ना कि जब जिस समय आपको उसकी जरूरत होगी, जैसे कि अब समर का टाइम आ गया है, तो मोस्टली घर में जितने बच्चों के या हमारे जिसके भी शूज वगैरह थे जो हम लोग विंटर में पहनते थे, वो अब हटाने का समय तो आ ही गया। और मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा बहनें मेरी हटा भी चुकी होंगी, तो उसको ऐसे नहीं हटाना है, आपको वैसे नहीं रखना है, आप उसको क्लीन कीजिए, उसको धोइए, उसको प्रॉपर धूप लगाइए, और उसके बाद उसके डब्बे हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको पॉलिथीन में रैप करके रखिए, ताकि जब नेक्स्ट जो विंटर का जो सीजन आएगा उसमें हमें जब जिस चीज की जरूरत होगी हम इजिली उसे ले सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है, पहला पॉइंट हमारा यही है कि कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अगर आपके घर में है तो उस चीज की कद्र कीजिए। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, ये शॉपिंग से रिलेटेड है। हालांकि मैंने शॉपिंग से रिलेटेड आपको दो तीन वीडियो दे रखा है, जिसमें मैंने आपको बार्गेनिंग और फिर आप शॉपिंग जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारा कुछ बता रखा है। लेकिन यहाँ पे जो है हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी वो सब देख रखा है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाइए तो आप अपना एक शॉपिंग का जो थैला है वो घर से लेके जाइए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम सामान वगैरह लेते हैं तो एक तो हम मॉल वगैरह में जाते हैं, तो हम मैंने पहले ही ये बहुत सारे वीडियो बता रखा है कि आप लिस्ट बना के ले जाइए। तो जब लिस्ट के साथ हमारा सामान हो जाता है, हम एक एक जो कदम है अपना बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, तो आपको शॉपिंग बैग भी लेके जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो शॉपिंग बैग देते हैं ना तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो उस मॉल में 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, या वो 50 रुपए का है, वो डिपेंड करता है कि जैसी मतलब दुकान होगी, जैसा मॉल होगा, जिस चीज का, उसके अकॉर्डिंग वो बैग का चार्ज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप घर में आप एक जो कॉम्पैक्ट वाला होता है ना शॉपिंग बैग वो, और अगर नहीं आपके पास तो आप अपने हाथों से खुद सिल सकते हैं, तो आप उसको अपने पर्स में हमेशा रखिए, क्योंकि कहीं भी आपको उस बैग की जरूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई सब्जी की मतलब मंडी दिख गई जहां आपको फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल मिल रहा है, आपने ले लिया सारी कुछ उन्होंने दे दिया, लेकिन अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है तो आप उसे कैरी करके घर तक कैसे लाइएगा। तो ये एक आवश्यक चीज है कि आप अपने पर्स में एक शॉपिंग बैग जरूर रखें। दोस्तों इसके साथ एक पॉइंट और भी कहना है कि जब हम बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ा, मैंने पहले भी बताया है कि घर से हमें खा पी के चलना चाहिए, लेकिन खा पी के तो चलना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसे भी मंचिंग के लिए कुछ चीजें जो है वो अपने पर्स में रख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने के पूरी तरह से मूड में आ जाइएगा, बच्चों को तुरंत भूख लग जाती है, और आप उसको खिलाने ले जाइएगा, आपका कम से कम आधा एक घंटा तो वहीं पे बर्बाद हो गया। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टिफिन में जरूर पैक करके ले जाइए। दोस्तों ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, शॉपिंग में थोड़ा सा ये ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि ऑफ सीजन शॉपिंग कीजिए। देखिए ऑफ सीजन शॉपिंग कीजिए, कहने का मतलब ये है कि ठंडी में गर्मी का शॉपिंग कीजिए और गर्मी में ठंडी का शॉपिंग कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का समय आ गया है, तो अभी आप देखिएगा कि आप एसी कूलर अगर हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो हमें जो है मतलब एड़ा का डेढ़ा दाम देना पड़ता है, कोई भी किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं है। मैंने मतलब कितने सारे दुकान में, कितने सारे मॉल में मैं चक्कर लगा के आ जाती हूँ, मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं देयर इज नो एनी डिस्काउंट। तो ये क्यों होता है? ये समर टाइम में जो वो जो एप्लीएंसेज है, वो जो जो भी आपका इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है और लोग उसे उसी रेट में लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही ये सब चीज अगर ये सब प्रोडक्ट हमें विंटर में लेना होता है तो आप देखिएगा कि हमें कम से कम 5 या 6 हज़ार रुपये का किफायत पड़ता ही पड़ता है। ये डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि हम ऑफ सीजन में कोई चीज परचेज कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे अभी गर्मी का मौसम आया है, लेकिन जब विंटर के कपड़े मुझे लेने थे, जैसे इस साल मैंने यही काम किया है कि मुझे विंटर के कपड़े अपने बच्चों के लिए लेने थे, बच्चों के कपड़े खराब मतलब छोटे हो गए थे, तो इस साल मुझे जरूरत पड़ेगी, अभी जो कमिंग विंटर आएगा तो उसमें मुझे बच्चों के कपड़े लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि जब फेब्रुवरी मंथ एंड हुआ मार्च के समय में, उस समय सारे जो वुलन थे उसमें बहुत सारे डिस्काउंट मिल रहे थे, और मैं मोस्टली जो है वो लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ, तो वहाँ जाके मैंने कुछ जो है विंटर के कपड़े खरीद लिए। हाँ हालांकि वो सारे कपड़े मुझे अभी रखने पड़े, लेकिन मुझे ये पता है कि आने वाले दिसंबर और जनवरी में उन कपड़ों का खूब यूज़ होना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत किफ़ायत पड़ा है। और अगर मैं जब कमिंग विंटर होता है ना, उसमें जब विंटर स्टार्ट होता है तब आप किसी भी चीज़ को खरीदिएगा या पिक पे रहता है विंटर, तो वो सब महंगा पड़ता है, और वो सब चीज़ों में मुझे 50% 70% की छूट मिली। तो ये है ना फायदा।
चौथा पॉइंट यहाँ पे ये यह आता है दोस्तों कि देखिए, हर इंसान चाहता है कि हम लाइफ में सक्सेस मिले मुझे, मैं आगे बढ़ूँ, ये हर इंसान सोचता है। कोई भी ऐसा नहीं है ना जो ये सोचता है कि अरे जैसा चल रहा है चलने दो, सब सोचते हैं। और मेरे वीडियो देखने वाले सारे व्यूवर जो हैं वो अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, जैसा मुझे अपने मतलब उनके कमेंट को रीड करती हूँ और मेरे जैसे व्यू आते हैं उससे मुझे पता चलता है। तो दोस्तों इसमें ये करना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें सफल होना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुश रहना पड़ेगा। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमें कोई किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। देखिए ऐसा होता है ना कि मोस्टली महिलाओं के साथ ये चीज़ होता ही है कि वो स्ट्रेस में रहती हैं, वो तनाव लेती हैं, और उनको इस चीज़ के लिए, इस तनाव उनका खत्म हो जाए तो वो सबसे पहले ज़्यादा निर्भर होती हैं शॉपिंग में। देखिए शॉपिंग करना हर औरतों को अच्छा लगता है, इवन दो मैं भी, मुझे भी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि शॉपिंग करना और अनावश्यक चीज़ों को खरीदना, ये दोनों में ना अंतर हो जाता है। तो कहना ये है कि मोस्टली जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम तनाव में रहते हैं, जब हमें किसी चीज़ का टेंशन होता है और हम शॉपिंग साइट पर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं, तो हम बेकार की चीज़ों को भी उठा के लेके आ जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है। तो दोस्तों अगर हमें मतलब जो भी अनावश्यक चीज है या फिजूल खर्ची से बचना है ना, तो सबसे मेन चीज ये है ना कि स्ट्रेस में रहना छोड़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेस में अगर हम रहेंगे तो हमारे पैसे की तो बचत होगी ही होगी, साथ के साथ हमें सफलता भी मिलेगी, चाहे जिस काम को हम कर रहे हैं। अगर देखिएगा आप कभी भी कि आप अगर टेंशन में आ गई ना, आपका खाना नहीं बन पाएगा बढ़िया, और बढ़िया क्या, आपका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो जाएगा, ये अक्सर होता है। तो इसलिए तनाव में रहना छोड़ दीजिए। तनाव में रहेंगे तो हम शॉपिंग करेंगे, पैसे खर्च होंगे। और लास्ट का हमारा यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों कि थोड़ी बहुत जो है ना सिलाई वलाई हमें भी आनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना कि आजकल जैसे मान लीजिए कि हम मोस्टली, मैंने देखा है कि लोग ना रेडीमेड कपड़े जो हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए एक 400 या 500 रुपए की हमने एक कुर्ती खरीद ली अपने लिए, और वो खरीद लिए और वो हमारे साइज़ का नहीं आ रहा है, नाउ अब हमें कुछ कहीं अल्टर के लिए देना है, तो अल्टर में भी हमारा कम से कम 80 से 100 रुपया ले ही लेते हैं टेलर। बिल्कुल वही ये मतलब कि 20 रुपये 30 रुपये का तो अब जमाना ही नहीं रह गया है कि अल्ट्रेशन के लिए 20 रुपये और 30 रुपये कोई लेगा। तो आप सोचिए कि 400 रुपये या 450 की आपकी कुर्ती है और आप उसमें और 100 रुपये और 80 रुपये डाल देते हो, तो वो कुर्ती कितने की हो गई, 550 की। अरे 550 नहीं हुई तो 530 रुपये की हो गई, तो कुर्ती का वैल्यू बढ़ गया ना, कुर्ती का जो रेट है वो तो बढ़ गया। तो कहना यहाँ पे ये है कि थोड़ी बहुत सिलाई हमें आनी चाहिए, ताकि घर में अगर कोई भी चीज़ कट जाता है, कोई भी चीज़ फट जाता है, या कोई बटन हमारा टूट जाता है, हमें ऑल्टर खुद के कपड़े करने होते हैं, बच्चों के करने होते हैं, तो इतना तो हमें आना ही चाहिए। दोस्तों सिलाई के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में सिलाई मशीन ही हो, हम हाथों से भी इतना काम कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब मेरे पास भी सिलाई मशीन नहीं थी तो मैं हाथों से ही सिलती थी। मैं कोशिश करती थी कि घर के जो भी फटे पुराने जो भी मेरे कपड़े हैं उसको मैं सिल के रखूँ। साथ के साथ इसका एक एग्जांपल और देती हूँ दोस्तों कि मैंने अभी यूनिफॉर्म खरीदा अपनी बिटिया के स्कूल का, और वो जो यूनिफॉर्म था वो उसके साइज़ का नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा एक साइज मुझे बड़ा ही मिला, तो मैं बड़े साइज़ को लेकर आई। इससे मुझे ये एक फ़ायदा होगा कि अगली साल जब उसका मतलब थोड़ी उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना बढ़ने वाले उनकी हाइट इंक्रीज़ होती रहती है, तो मेरा ये जो ड्रेस है इससे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक साइज़ बड़ा है। दूसरा, अभी उसको फिट करने के लिए मैंने घर में ही हाथों से ही उसके जो भी उसका कपड़ा है उसके स्कर्ट को अल्टर कर दिया। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ ना कि वो अब परफेक्ट उसकी फिटिंग भी आती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, और नेक्स्ट ईयर ये जो हमारा कपड़ा है ये फिर से यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत जो है ना ये हमें आना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है ना तो हमें इस पर सीखना भी चाहिए। हम इससे कोई पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन अपने घर के जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ें जो हम कर लेते हैं। सिमिलरली अभी मैंने एक कर्टेन परचेज़ किया, और कर्टेन जो है वो मैंने अपने मतलब जैसे मंदिर के पूजा रूम के लिए ख़रीदा, और वो कर्टन थोड़ा सा मतलब उसकी जो लेंथ थी वो बड़ी हुई थी। तो अब वो जो लेंथ बड़ी थी अगर मैं उसको टेलर के पास देती तो टेलर कम से कम नहीं तो मुझसे 50 रुपीज़ तो इजीली ले लेता, उसको बस उसे थोड़ा सा एक स्टिच लगाना था। मैंने सिंपली घर में कर लिया तो बचे ना मेरे 50 रुपीज़,
थोड़ा सा लगा टाइम 10-15 मिनट, लेकिन हमारा वो काम हो गया। तो दोस्तों और पता है, इससे एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने घर में इतना काम खुद कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ से हमने पैसे बचाए, तो वो पैसे जो आप बचा रहे हो ना, वो पैसे आप बचा नहीं रहे हो, वो पैसे आप कमा रहे हो, क्योंकि आपके वो पैसे उतने निकल ही जाते, लेकिन आपने तो कमाया, खुद से वो काम कर लिया। तो दोस्तों ऐसे करके हम एक एक पैसे बचाते हैं, और आज की वीडियो में मेरा यही 5 स्टेप था जिससे हम पैसे बचाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में साथ रखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।